उसने कहा दीदी आइडिया, उसके पास आइडिया भी ज्यादा, एक काम करो, न तो तुम्हें पाप लगेगा और न ये खाने की झंझट होगी। उसने कहा क्या करना? उसने कहा ऐसे करो, बिना किसी खतरे के तुम्हें यदि बना बनाया बच्चा मिल जाता है तो क्या आपत्ति है? उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा ऐसा है, हमारे घर में इतनी कतार लंबी लगी है बच्चों की और खाने के फाके पड़ते हैं, आपके यहां संपत्ति इतनी ज्यादा है, बच्चा एक भी नहीं, इसलिए यदि तुमने मेरे पति को इतना धन देने का वादा किया तो अपनी अबकी होने वाला बालक तुम्हारे पास पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूं, तब तक तुम केवल स्नान करो गर्भ रहने का और ये फल जो है ये गैया को खिला दो। गाय को खिलाने से फेंकने का पाप नहीं लगता, दोनों बहनों में साठ गांठ हो गई। और पंडित आत्मदेव जब दीर्घकाल चलने वाले एक यज्ञ के लिए बहुत दूर गए हुए थे, इधर धुंधली की बहन के पति ने लाकर के छोटा सा नवजात बालक पहुंचा दिया और धुंधली ने घोषणा कर दी पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म की वार्ता जैसे ही पंडित आत्मदेव ने यज्ञ के स्तर पर सुनी वो तो दौड़ते हुए आए, पुत्रोत्सव मनाया, खूब उनको आनंद हुआ, लेकिन उसी समय उनकी गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। तो पंडित आत्मदेव ने धुंधली से पूछा कि धुंधली ये कैसे हो गया? परमात्मा कृपा करते हैं तो कितनी कृपा करते हैं, देखो अपने भी घर में बालक हुआ लेकिन अपनी गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। धुंधली को लगा कि मेरा भांडा फूटेगा, उसने बात को संवारते हुए कहा जी 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 हो सकता है, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है जी, फल तो खैर मैंने ही खाया था लेकिन फल का छिलका और गुठली जो है ना मैंने गैया को खिला दी। झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट थी, पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, एकदम पंडित आत्मदेव भोले वाले थे, सुन लिया, दोनों बालकों का नामकरण करने का जब समय आया तो झूठ मूठ का प्रेम दिखाते हुए धुंधली ने कहा जी इसका जो नाम है ना इसका मेरे नाम के साथ मैचिंग होना चाहिए। तो पंडित आत्मदेव का ये मैचिंग क्या होता है? नहीं ऐसा है, मेरे नाम में दो ध आते हैं तो इसके नाम में भी दो ध आने चाहिए, मतलब क्या करना है, मेरा नाम धुंधुली इसका नाम धुंधुकारी। पंडित आत्मदेव ने पूछा अरी धुंधुकारी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ से क्या मतलब है? मेरे नाम में दो ध आ गए इसके नाम में दो ध आ गए, दर्शित बात हो गई। अब ऐसी पत्नी के साथ मगजमारी करना किसी के बस की बात नहीं है, ये दूसरी बात है। पंडित आत्मदेव ने कहा हाथ जोड़िया भाई तने करनो जानकर, तो उसने नाम रखा है अपने पुत्र का, माने हुए लाए हुए पुत्र का धुंधुकारी। पंडित आत्मदेव ने उस गो माता के बालक का नाम रखा है गोकर्ण। गोकर्ण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जिसके कान केवल गाय के कान के समान है, उसका यह विशेष अर्थ है कि बचपन से वेद शास्त्रों के शब्द जिसके कानों पर गए हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकलह, दोनों के स्वभाव में बाल्यकाल से ही बड़ा अंतर है। धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट है और गोकर्ण विवेकी है, सौम्य भाषी है। अभी अंतर क्यों आया? धुंधुकारी दोनों बहनों के और उसके पति के षड्यंत्र का परिणाम, और यह गोकर्ण है एक संत के फल की प्रसादी है, अपने आप ही अंतर आया। चलो बचपन की बातें छोड़ दो, लेकिन बड़े होने के पश्चात एक तो अत्यंत बड़ा विद्वान हो गया, योगाभ्यास करता है और परमात्मा की प्राप्ति के साधन करता है, और दूसरा चोरों की गुंडों की टोली में जाकर के मदिरा पान करता है, वंता
वेश्यागमन करता है, सारी बुरी आदतें उसको लग गई। तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तंतु नाशितम, उसने अत्यंत बुरी संगति में पड़ करके पिताजी का सारा धन भी बर्बाद कर दिया, रसोई मात्र के लिए बचे हुए बर्तनों को भी ले जाने लगा। जब पिताजी ने थोड़ा सा उसे समझाने का प्रयास किया तो पहले मां को धक्का मार करके गिरा दिया, फिर पिताजी को धक्का दे दिया और बर्तनों को तो लेकर के चला ही गया। पंडित आत्मदेव बड़ा पछतावा करते हैं, पछतावा इसलिए करते हैं कि अरे वे अत्यंत श्रेष्ठ सम्मान्य पंडित थे, उनकी बड़ी सत्कीर्ति थी, लोगों की उनमें बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन ये सारा मटिया मेट हो गया अपने ही गांव में, अपने ही घर में अपने पुत्र के द्वारा उनकी पिटाई हो गई, बेटा तो चला गया। कोने में बैठ करके वे रोने लग गए, किं करोमि क्व गच्छामि, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। उस समय गोकर्ण महाराज वहां पर पधारते हैं और गोकर्ण उनको समझाते हैं, असार खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः सुसक्कस्य धनंकस्य स्नेहमान ज्वलते निशम। पिताजी, आपके प्रवचनों में हम सुना करते थे कि सारा संसार असार है, असार शब्द के दो अर्थ हैं, जिसमें कोई सार नहीं यह एक अर्थ है, और एकाक्षर कोश में अशब्द का अर्थ विष्णु भगवान है, एक भगवान ही केवल संसार का सार है। भगवान की भक्ति बिना किए आप जीवन में कुछ भी करो, अंतिम समय में आप शांत रह सकते नहीं। अंतिम समय में शांत वही रह सकता है जिसने भगवान का भजन किया, यह सार है। बाकी सारे भोग विलास पैसा पद सत्ता सब कुछ है ना, ये सारी अस्थाई वस्तुएं, ये न टिकने वाली है, कभी न कभी तो समय ऐसा आएगा कि ये सब छिन जाएगा। अंतरंग यदि परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ होगा तो बस वही सार वस्तु है। महात्मा गोकर्ण ने कहा, पिताजी द्वंद्वकारी बदलेगा नहीं, आप अपने जीवन का समय व्यर्थ नहीं गवाओ, आप अपना समय भगवत सेवा करते हुए आत्म साक्षात्कार के लिए दो, आपको वही करना चाहिए। गोकर्ण की बातों को सुनकर के पंडित आत्मदेव को बड़ा अच्छा लगा और कहा, गोकर्ण तुम्हारी बातों को सुनकर के मेरा मन कुछ शांत होने लगा, मुझे कुछ और सुनाओ। अरे मेरा सारा जीवन चला गया लेकिन मैंने कोई अध्यात्म विचार जागृत नहीं रखा, अब समय के साथ मेरी बुद्धि में मलिनता भी आ गई, दुर्बलता भी आ गई, मुझे और क्या करना चाहिए बताओ। सारा जीवन मैं इस संसार की चिंता में सोया रहा, अब जगाओ, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, 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 अपने अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं।
चाहूं और पाहूं, संसार का मैं